मुल्क की तारीख में पहरों भेरो बेतमादी रिथ जरिए सिलेक्टेड के हटाए वो फॉरेन फंडिंग केस से पीटीआई बानी से पाबंदी लगन घुर्जी एक तबसरो आयो तो वही पार्टी जो लीडर जेल में है पीटीआई बानी कड़ो वो लीडर है काल साइफर केस बाबत अहम फैसलो आयो फैसलो पब्लिक थी चुको आवाम उन राय दई सके तो फैसलो डींदड़ काबिल एहतराम पीपी अगवान शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चयाई साइफर के गलत तरीके से इस्तेमाल करने पाकिस्तान के नुकसान थो साइफर तमाम वो नाटक हो अगूणे पीटीआई चेयरमैन जानी वाणी साइफर के मसैलो बनाया पीटीआई के बानी अगूणे परदेही वजीर साइफर के सियासी मकसद ला इस्तेमाल किया इक्तदार की हवस में कौम की अखियन में धूड़ विधी वही। जै शख्स आईन की भंजकड़ी कराई उन मासूम चे पे वे मासूम शख्स कागज फड़काए मुल्क सलामती के दाते लगायो नूलीग अगवान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चवे थी ही 190 मिलियन पाउंड जो बंद लिफाफो काबीना में फड़काए खाई वे मासूम है अरबे रुपये की फंडिंग से इलेक्शन कमीशन के धमकायण वो मासूम है। आम चूंडन लाए नामजदगी फॉर्म जमा कराने जो सुभाने आखिरी दिहाड़ो सजे मुल्क में आम चूंडन में हिस्सों वठन लाए सियासी अगवाणन पारा नामजदगी फॉर्म जमा कराने वसूल करण जो सिलसिलो जारी नामजदगी कागजन की छंड छाण 25 खां 30 दिसंबर तक जारी रहंदी। अगूणे वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा बिन कौमी बिन सूबाई तकन इलेक्शन विढ़ने जो फैसलो शहबाज शरीफ लाहौर के तक एन ए 123 तां नामजदगी कागज जमा कराए छड़ा एन ए 132 कसूर तां भी शहबाज शरीफ जहाँ नामजदगी कागज जमा शहबाज शरीफ पीपी 158 पीपी 164 तां भी चूंडू विढ़ो। आम चूंडन बाबत रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलन खिलाफ अपीलों से बुधने लाए ट्रिब्यूनल्स कायम सिंधाई कोर्ट के 6 जजिस के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स लाए नामजद कर जस्टिस अरशद हुसैन जस्टिस खादिम हुसैन कराची हैदराबाद की अपीलों से बुधनी कंदा जस्टिस अदनान करीम भी कराची हैदराबाद की अपीलों से बुधनी कंदो सखर में जस्टिस इरशाद अली जस्टिस जुल्फकार सांगी अपीलों से बुधनी कंदा जस्टिस सलीम जैसर लाड़कानी में रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलन से अपीलों से बुधनी कंदो। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस सिंध में मखसूस सीटों से नामजदगी कागज जमा कराने जो सिलसिलो चौथे ढीं भी जारी टिन ढीन दौरान 400 का वधिक नामजदगी कागज जमा कराया वह सिंध असेंबली की औरतों की 29 सीटों लाए 200 का वधिक कागज जमा कराया वह सिंध में कौमी असेंबली की औरतों की मखसूस 14 सीटों से 100 का वधिक उम्मीदवार जहाँ कागज जमा कराया वह सिंध असेंबली की नव अकलियती सीटों लाए 100 का वधिक उम्मीदवार जहाँ कागज जमा चौथे ढीं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफ अल्लाह वट कागज जमा थन शुरू। टंडो मोहम्मद खान में जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में फॉर्म वसूल जमा करण जो सिलसिलो जारी पीएस 70 से सिंध तरक्की पसंद पार्टी के डॉक्टर कादिर मक्सी जीडीए के अब्दुल रहीम कातियार फॉर्म जमा कराया आज़ाद उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा लखारी पीपी जे खुरम करीम सूमरो बियन नामजदगी फॉर्म जमा कराए छड़ा लाड़काने में जीडीए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी पंजो नामजदगी फॉर्म जमा कराए छड़ो डॉक्टर सफदर अब्बासी पीएस 11 पीएस 12 एन ए 195 नौकरी से पंजो नामजदगी फॉर्म जमा करायो। नवंबर 2022 जहा एमडी केट नतीजा बिन साल दुरुस्त करार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब फैसलो जारी कर छो अदालत चवाए तो नवंबर 2022 के एमडी केट जो नतीजो नवंबर 2024 तबूल है दरख्वास्त गुजार लाइबा 2022 में टेस्ट पास कई
जडे हुन टेस्ट पास कई उन वक्त जे कानून मौजिब नतीजो बिन सालन लाए लागू हो। सीटीडी लाहौर के जिले चनूट में गुजे इतलाते कार्रवाई पंजा जन के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द साथी समेत मारजी वो। सीटीडी तर्जमान चवे तो कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन के ठिकाणन में बारूदी मवाद हथियार हथकया व्या। मारजी वाल दहशतगर्द गजनफर नदी मथा 25 लाख रुपया इनाम रखल हो। दहशतगर्द 2011 का फरार थियल हो। दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में आपघाती हमले समेत फिरके वाराने टारगेट किलिंग में भी मुलविस हो। गजनफर नदी मजहबी नफरत से बदल दहशतगर्दी जो मास्टरमाइंड हो। कराची कैंट स्टेशन ते रेलगाड़ी में बैग में हथ अचण वारो मामलो बम डिस्पोजल स्क्वाड शुरुआती रिपोर्ट तैयार करे वरती। रिपोर्ट मूजिब बम कारे गाढ़े रंग के थैले में रखल हो। 4 से 5 किलो वजनी बम हथ आयो जैके नाकारा बनाए वो। गडियल कौमन की सलामती काउंसिल गाजा पट्टी में फिलहाल इमदाद की फरामी वो ठहराव मंजूर करे वरतो। 13 मेंबर्स ठहराव के हक में वोट दिना। रूस अमेरिका पारा वोट न दिनो वो। ओलह मीडिया मूजिब ठहराव में गजा में फौरी जंगबंदी की गाल ना कई वही। इो चाह है गजा में जरूरत मुताबिक फिलहाल इमदाद की फरहमी के यकीनी बनाए वे। इसराइल चाहे तो गजा वींदड़ फिलहाल इमदाद को मायनो जारी रखो वो। गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है तो इमदादी शिपमेंट्स के ढग में असल मसलो इसराइली हमला है। गजा में फौरी तौर जंगबंदी थे घुर्जे। अमेरिका जो ईरान से अहमद समुंड में बहरी जहाजन से हमलन की मनसूबाबंदी जो इल्ज़ाम। कौमी सलामती काउंसिल के तर्जमान एडविन वॉटसन चवे थी यमनी हौसिन के सामुंडी जहाजन से हमलन में ईरान मुलविस है। ईरान डिघे वक्त का हौसिन की हौसला अफजाई में मदद करे तो। उमेरबाब चांडियो के टिन घर भातियों के कत्ल की बुधनी जज न हो करे नथी सकी। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट जो जज हाफिज अताउल्ला शेख बदली थियण नौ जज मुकर न थियण सबब बुधनी नथी सकी। ईंदड़ बुधनी 6 जनवरी से थी। अज बुधनी से इल्ज़ाम हेठ आयल अगूणा MP भायर सरदार अहमद चांडियो बुरहान खान चांडियो उन वक्त जो SHO करीम चांडियो अदालत में पेश थिया। उमेरबाब चांडियो केस जो फरियादी परवेज चांडियो अदालत में न पहुंचा। सेवण में कलंदर लाल शहबाज दरगाह में सोन चोरी जो केस दाखिल। दरगाह के मालखाने में 2 करोड़ 57 लाख रुपये जो सोन और चांदी चोरी थी। सेवण थाने ते औकाफ खाते के एडमिनिस्ट्रेटर इरशाद अली समोजी फरियाद से केस दाखिल। मैनेजर मोहम्मद जुबैर बलोच अली रजा गोपाल से चोरी जो केस दाखिल। सेवण पुलिस पारा जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए छापा। मोहम्मद जुबैर बलोच गिरफ्तार। जांच कमेटी आडो मैनेजर जुबैर बलोच दोह जो एतराब भी किया हो। मैनेजर जुबैर बलोच के मौतल करे केस दाखिल कराए वो। धाबे की पंपिंग स्टेशन से बिजली जो ब्रेकडाउन। कराची के पानी फराहम कंदड़ 72 इंच कतर की पाइपलाइन फाटी पई। पाइपलाइन फाटन सा सेकंड फेज ए K2 पंप हाउस बंद थी वह। पंप हाउस बंद थे से कराची के पानी की फराहमी मौतल। नंढे खंड की मशहूर गायणी नूरजहान की 23वीं वर्सी अज मल्हाई पी वे। मुल्क के अक्सर शहर में मदाहन पारा खेस भेटा पेश कर तकरीबू मुनद। पाकिस्तान भारत समेत सजी दुनिया में पांच खूबसूरत आवाज में गाइंदड़ नूरजहान लाए 1 दिसंबर का 23 दिसंबर तीन संदस गीत नशर करे खेस भेटा पेश कई पी वे।